तो दोस्तों आज 13 जून 2021 रविवार का दिन हो चुका, तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं शिक्षा विभाग से जुड़ी कुछ ताज़ा खबरों की और कुछ बड़ी खबरों की। 12वीं के बाद DL.ED कर शिक्षक बनने का सपना संजोरे प्रदेश के 38,000 से अधिक युवाओं के सपनों पर COVID-19 संक्रमण में तुषाराघात कर दिया। आपको बता दें COVID-19 की आड़ में पंजीयक शिक्षक विभाग बीकानेर प्रथम वर्ष के छात्र अध्यापकों के साथ सौतेला रवैया अपनाए हुए है। स्थितियाँ यह है कि 2 वर्षीय इस पाठ्यक्रम को लेकर 3 वर्ष हो जाने को हैं, लेकिन इसके बावजूद भी पंजीयक शिक्षक विभाग बीकानेर प्रथम वर्ष का परिणाम घोषित तक नहीं कर पाया है। ऐसे में 2 वर्ष का पाठ्यक्रम रीट देकर शिक्षक बनने की आस लगाए बैठे युवाओं को निराश कर रहा है। आपको बता दें विभाग ने 2019 में प्रथम वर्ष में दाखिला ले चुके छात्र अध्यापकों को अब तक परीक्षा परिणाम जारी नहीं किया है। इसके पीछे जो प्रमुख समस्या है उसमें आपको बता दें कि 2019 के छात्र अध्यापक 2021 तक अंतिम वर्ष की परीक्षा दे चुके होते हैं। ऐसे में वे रीट परीक्षा के लिए पात्र होते, लेकिन अब तक प्रथम वर्ष में ही झूल रहे छात्र अध्यापक रीट के लिए अब अपात्र होते जा रहे हैं। राजस्थान रीट भर्ती परीक्षा की तिथि के अनलॉक होने का अब लाखों अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें इससे पहले भी ये परीक्षा 5 बार टल चुकी है। प्रदेश में लगभग 16 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा के लिए आवेदन कर रखा है। राजस्थान में अब अन्य कई परीक्षाओं की तिथियां घोषित होने के बाद अब लगातार बेरोजगार इसको लेकर 20-26 से इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें अभी EWS के आवेदन की तिथि की भी घोषणा होनी बकाया है। 33,000 पदों के लिए लगभग 16 लाख से अधिक आवेदन अब तक आ चुके हैं, और ऐसा माना जा रहा है कि अब EWS वर्ग के हिसाब से आवेदन लिए जाएंगे तो संख्या और बढ़ेगी। 2 अगस्त 2020 को मुख्यमंत्री ने रीट परीक्षा करवाने की घोषणा की थी, फिर कोरोना के कारण इसे 2 सितंबर 2020 को करवाने की घोषणा की गई, लेकिन इसे स्थगित कर दिया गया। शिक्षा मंत्री ने फरवरी 2021 में परीक्षा करवाने की बात कही, लेकिन विज्ञप्ति जारी नहीं होने के कारण रीट 25 अप्रैल को करवाने की घोषणा की गई। फिर आपको बता दें जैन समाज के विरोध और EWS वर्ग को आयु सीमा शुल्क छूट दिए जाने के कारण इस वर्ग से आवेदन के लिए नोटिफिकेशन फिर से जारी किया जाना था, जिसके कारण परीक्षा 20 जून को करवाने पर फैसला। अब कोविड के कारण यह परीक्षा 20 जून को भी स्थगित कर दी गई है। कोविड नियंत्रण और तीसरी लहर की तैयारियों को लेकर राज्य सरकार की ओर से जिला स्तर पर कोविड स्वास्थ्य सहायकों की भर्ती की जा रही है। इसके लिए राज्य सरकार ने स्पष्ट दिशा निर्देश भी जारी किए, लेकिन कुछ जिलों ने अभी से भर्तियों में दिशा निर्देशों का उल्लंघन कर अपनी मनमर्जी शुरू की है, जिससे भर्तियों पर अभी से संकट के बादल मंडराने लगे हैं और कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो चुका है। CBSE अब जल्दी 12वीं कक्षा के लिए मार्किंग स्कीम जारी करने जा रहा है। जानकारी के मुताबिक सोमवार 14 जून तक मार्किंग स्कीम जारी कर दी जाएगी, जिसके बाद रिजल्ट बनने का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। लगभग 12 लाख छात्र मार्किंग स्कीम पर किसी अपडेट का इंतजार कर रहे हैं। स्कीम जारी होने के बाद छात्र CBSE आधिकारिक वेबसाइट पर इसे डाउनलोड कर सकेंगे। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने शारीरिक प्रशिक्षक अनुदेशक ग्रेड 3 परीक्षा 2018 में चयनित अभ्यर्थियों के डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट को रिशफल किया। इससे 1322 शारीरिक शिक्षकों के जिले में बदलाव हुआ है। अब इन्हें काउंसलिंग के जरिए दूसरे जिलों में पोस्टिंग दी जाएगी। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अपनी 10वीं और 12वीं की परीक्षा CBSE की तर्ज पर रद्द तो कर दी, लेकिन अब छात्रों को 17 अंक देने के लिए कोई निश्चित फार्मूला तय करने तक अभी तक बोर्ड कार्यालय नहीं पहुंच पाया है। आपको बता दें ऐसे में विद्यालय संस्था प्रधानों को बड़ा असमंजस हो रहा है, क्योंकि बोर्ड की तरफ से विद्यार्थियों के 17 अंक मांगे जा रहे हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 17 अंक 21 से 28 जून तक भेजने को कहा है। आपको बता दें बोर्ड के उपनिदेशक ने अपने आदेशों में कहा है कि इस बार कोरोना की महामारी के चलते कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा नहीं होगी। अब इन कक्षाओं का परीक्षा परिणाम तैयार किया जाएगा। इसके लिए आवश्यक है कि कक्षा 10 और 12 की नामावली तैयार कर बोर्ड की वेबसाइट पर डाली गई है। सरकारी नौकरी की आस में विद्यार्थी मित्रों की उम्र बढ़ती जा रही है। वर्षों बाद भी प्रदेश की हजारों विद्यार्थी मित्रों को स्थायी नौकरी का इंतजार। आपको बता दें प्रदेश में संविदा पर सरकारी विद्यालयों में काम कर चुके विद्यार्थी मित्रों के समायोजन के लिए हर सरकारी प्रयास अधूरे ही रहे हैं। सरकार ने इनके लिए प्रयास भी किए, लेकिन भर्ती नियमों के फेर में उलझ कर रह गई। आपको बता दें वर्ष 2015 में 33,500 पदों पर विद्यालय सहायक भर्ती शुरू हुई। भर्ती में जिले के अनुसार विद्यार्थी मित्रों और निजी विद्यालय के शिक्षकों में से फॉर्म भरवा लिया। 6 साल पूरे होने के बाद लेकिन सरकार ने यह भर्ती अभी तक पूरी नहीं की है। कोरोना की वजह से पिछले 1 साल से घरों में बैठे 2 लाख से अधिक मानसिक विबंधित नेत्रहीन और मूक बधिर विद्यार्थियों के लिए राहत भरी खबर। आपको बता दें शिक्षा विभाग ने अब ऐसे विद्यार्थियों की समस्याओं को देखते हुए बड़े स्तर पर ब्रेल लिपि और साइन लैंग्वेज में कक्षा 1 से 12वीं तक के लिए ई कंटेंट तैयार करने की तैयारी शुरू कर ली है। कोरोना की शुरुआत के बाद 24 मार्च 2020 से स्कूल बंद है और ऑनलाइन क्लासों ने देश की क्लासरूम पढ़ाई की स्थान ले लिया है। हम ऐसा पहली बार अनुभव कर रहे बच्चों और किशोरों पर इसके प्रभाव को अभी पूरी तरह से समझा नहीं जा सका। आपको बता दें सीखना मनोरंजन लगभग पूरी तरह टेक्नोलॉजी पर निर्भर हो गया, साथ ही सामाजिक संपर्क और बाहरी गतिविधियां लगभग बंद सी हो गई हैं।
विशेषज्ञों का मानना है कि परीक्षाओं के रद्द होने से ऐसी स्थिति में बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर इसका विपरीत असर पड़ेगा। तो दोस्तों ये थी आप 13 जून 2021 से जुड़ी शिक्षा विभाग कुछ बड़ी खबरें। शिक्षा विभाग से जुड़ी प्रत्येक बड़ी अपडेट के लिए लगातार आप बने रहे हमारे साथ में। प्रत्येक बड़ी खबर का नोटिफिकेशन लगातार आप तक पहुंचता रहे इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। BSTC PTT रीड पुलिस पटवार स्कूल कॉलेज शिक्षा से जुड़ी यदि आपकी कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके कमेंट के आधार पर आपकी समस्या समाधान का पूर्ण प्रयास करेंगे। आज के इस वीडियो में साथियों, नमस्कार।